बात कर लो उससे, मैं इससे बात कर रहा हूँ। उनके यहाँ क्या कहूँ जाके पेशेंट को, बोलो सर। कितना बढ़िया घर रहे भाई, जब बच्चे आवे ना बात पहले सारा सामान सेट में, अगर बच्चे आते हैं कहीं कुछ पढ़ो कहीं कुछ पढ़ो। देखा 500 का लोटा मेरे पास, इधर हो जाओ। मेरे पास 200 का भी लोट है देखो, और ये 500 देखो मैं कितना भी रुला। हेलो प्रणाम। नो गुस्सा बेबी, नो 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 नो, आपकी कोई मतलब की चीज़ नहीं इसमें। तो जैसा आपने देखा था, हम गए पहले मार्केट और मैंने दीदी का इतना वेट किया इतना, पर ये सहेली कभी निमटती ना, निमटती संगीत तक ना मारी नहीं। हमें एक दो सामान लेने थे, फिर हम वो लेके आए मार्केट से। आप चेक कर रहे हो मैडम? है मैडम ने ऑर्डर करे, देख लड्डू गोपाल के भी है कपड़े, देखो चिमटी। तो कहा करेगी इतनी चिमटी, इनको लोन दिया, इतनी सजा धजा कर रखे, क्यों निरी लहंडी बुला लिए था। यो लहंडो की है या स्त्री में, और ये सब चीजें मैं तो करूँ ना इन चोच लेना यू कन्नू को है भाई। जैसी कायरा को मंगवा ना, ऐसी जो बात है कन्नू हरन को भी मंगवा, हर एक चीज मंगवाते हैं कन्नू हरन को भी। वो ये ना कन्नू बैठक देखे, बैठा कन्नू है इससे लौट आते हैं कन्नू को दोनों को। बैठाने को तो मैं इनको लाई हूँ, मुड्ढा ले लियो स्वाद आ जाए। देखे देखे देखे, ड्रेसिंग छेड़ रही है मेरे। अरे अरे यहाँ मैं नीचे सामान ना रखती बेटा, ऊपर रखू मैं सर सामान। कहना यू रिजेक्ट माल रखो, यो ये रिजेक्ट कमरे हो रहे तो रिजेक्ट माल भी है। यू बच्चे इनको रूम है वैसे मेरा, ये टॉय बच्चे इनके, इनको ये हूँ या मैं अपने किट्टू को दे दिया, पढ़ाई वढ़ाई कर ले अपने ही और खेल ले। पर 10 मैंने उसे दे दिया, बेस का रहा थे। देखो इनकी बुक्स ये रखी, खिलवती माँ बेटी घनी सफाई ली हो। तो रिसेंटली में मेरा बर्थडे आने वाला है, दीदी ने मुझे एडवांस गिफ्ट दे दिया है, कैसा लग रहा है जरूर सब कमेंट करके बताना। अच्छा नो अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है। सिम्मी आज रियल में बहुत अच्छी लग रही है, वैसा लग रही हो ना लग रही हो या मैं फोन में, पर रियल में अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। खराब है भाई मेरा फोन। आज तो मैं ऐसा लग रहा हूँ मैं 16 चला। चलो हाँ चलो, कह चला नानी घर इसे ना पता यू कहा छेड़ रही है, छेड़ कहा रही है। जब से ये वही कह रही कि हम नानी के जा रहे हैं ना, हम नानी के जा रहे हैं। भैया ये मम्मी के सूट उठने तो फेंका ही, मेरे पतन कितने फेंकेगी कितने न फेंकेगी, मैंने फेंक दिए वैसे तो होता पहले। ले ले मेरी अलमारी जूतान का सब कलम्बा ले ले। हमारे दीदी ने देखे उनको बचा कर रख रखे, अरे वैसे मेरे फेवरेट है। कन्नू भोग लगा दे, आने दे खाए ली उनने बहुत बहुत खा ली, कन्नू पे लगा दो लगा रही। क्या मैं तो खा रहा हूं वैसली खा रहा हूं, कि मैं चॉकलेट खा रहा हूं बिस्कुट तेरे ले ली मम्मी और मेरे ले ही है, ये बहुत टेस्टी लगा। कन्नू लो बेटा राधे राधे, मैंने कन्नू के लिए सब्जी बनाई है, लहसुन प्याज लिया उसमें, ठीक है ले बेटा।
पूरा पैकेट ही खाया और दो पैकेट बहन इतना मीठो खा हम मैं बिस्कुट का पैकेट नचा रखा है वाह भाई वाह नचा रखा हाँ मेरठ की भाषा बोल रही है नचा रखा क्या है क्या बोल रहा हूँ आपने तमीज नहीं है क्या देखे तेरे मम्मी अरन ने तो इतने साल हो गए जब ना भूली है दिल्ली की भाषा तू तो वही किया वही की भाषा सीख गई खपरो खपरो क्या दिल्ली खपरो मैं तो दिल्ली बोला तो फरीदाबाद को तो मैं तो दिल्ली में रहती हूँ दिल्ली में रहती हूँ मैं फरीदाबाद नहीं रहती यही तो है फरीदाबाद नहीं फरीदाबाद नहीं है दिल्ली है क्या फरीदाबाद है कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं और दीदी अब वीडियो बनाने के लिए ऊपर आए हैं और हम बनाएंगे अब वीडियो और अब आ चुका है मेरा कोरियर कोरियर आ चुका है मेरा ये हम आपको दिखाएंगे नहीं ये सरप्राइज है सबके लिए फिर दोबारा जा रहे हैं कहीं पे और हम कहाँ पे जा रहे हैं हमको आपको दिखाएंगे ने देखो मैडम हम आए हैं वो लोग के खाते बंदो मैंने अब हम जा रहे हैं घर पे वापस तो यादाश्त चली गई तुम सब लोग भी जाके सो जाओ बाकी नहीं वो सिर्फ वो बोल रही आराम से अनिशा बशे दे दो बहुत खपरो लोंडिया बहुत बुरी है लड़की देखे देखे भगवान बचा और कह रही मैं रुकूंगी हो जबरदस्ती कह रही है जबरदस्ती मैं कह रही जा दीदी यार आखिर ना जो कह रही है मैं जाऊंगी देखो मैं हाथ जोड़ रही ऐसी लोन दिया था मैं इतने सिर पर नचा मम्मा एक दिन में कितना कुछ हो गया एक बार के लिए तो मैं डर ही गया था कि कुछ हां जी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और हमने सारा काम कर लिया आज ही खा लोगे सारे और हम लेट रहे हैं बस ये लेंगे और जो भी चीज है हम वो एंजॉय कर रहे हैं खा रहे हैं तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ ओके हमने देखा मैं रात को यहीं पे रुकी थी और अब हो चुकी है सुबह और मैं बैठ चुकी हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए और दीदी बच्चों को नहला रही है क्योंकि वो स्कूल जाएंगे और बच्चे भी सब उठ चुके हैं कायरानी उठी है भी वो सो रही है तो आगे हम क्या क्या करते हैं आज जैसा कि आप सबने देखा कल भी हमने बहुत इंजॉय किया था और आज क्या करते हैं वो भी आप सबको ज़रूर दिखाएंगे जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और मैं नहीं जाऊंगा ये नौजवान चित्रा से भी बोल रही कि हाँ जब तुम आओगे मेरी मम्मी चली जाएगी पर मैं नहीं जाऊंगी सॉक्स लेके जाऊंगी तेरी
स्कूल छोड़ के अब हम लग जाते हैं अपने काम पे। आप सबने देखा मैं दीदी मनीषा से मिलने के लिए आई थी, दीदी का बहुत मन था मेरे से मिलने का, तो फिर मैं दीदी से मिलने आई। और प्रीति दीदी को ये पता नहीं है मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ये सीक्रेट है और ना हम लोगों को बताएंगे। तो अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ओके, अब हम जा रहे हैं अपने घर बड़ी मम्मा से मिल के। बड़ी मम्मा के घर से हम आ चुकी हैं। हाँ चार दिन मोमोज नहीं खाऊं हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे। मोमोज वाला मुझे मोमोज वाले। आप सब सोचो तो इसलिए मैं बता देती हूँ ये ब्लॉग अब का नहीं है, ये ब्लॉग 16 नवंबर का है जब दीदी घर पे थी और मैं मनीषा दीदी से मिलने गई थी, तो कुछ था नहीं इसलिए हमने पेंडिंग में ब्लॉग पड़ा हुआ था, तो इसलिए हम